श्री जय भारत माता की जय गोर्खा जय गोर्खाल्यान्ड अच्छा मोदी साहब जी केंद्र सरकार हम आपको ये बताना चाहते हैं हम यहाँ पे 10 से लेके 12,000 तक इंडियन गोरखा रेजिमेंट के 10 से लेके 12,000 तक है अभी भी हमने बहुत हौस में दुख करके इधर आया है कारगिल लड़ाई से लेके बहुत ऑपरेशन किया है इसका फल हमको क्या दे दिया ममता बनर्जी ने हमको टेररिस्ट में शामिल कर दिया ये आप लोग थोड़ा सोचने की बात है जल्द से जल्द सोचिए प्लीज और क्या हो गया उधर दार्जिलिंग में हम तो अपना हक मांग रहे हक मांगने से दूसरा पत्थर क्या मार दिया गोली ठोक दिया सीने पे और सर पे ये कहाँ का नियम है कहाँ का हुक्म है ये और ममता जी आप ही सुनिए उसको फांसी में लटकाना चाहिए गोली चलाना हमको भी आता है गोली चलाना ऐसा बात नहीं है हम लोग को भी आता है गोली चलाना आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ लेना ये बात कहना चाहता हूँ और मैं आज तक न्यूज में भी कहना चाहता हूँ मिस सोनिया आप जो मुंह में आए वो मत बोलना आपने क्या बोला गोरखाओ 1865 में आया सिया बगान लगाने के लिए हिस्ट्री क्या होता है आपको पता है जो आपको जो मुंह में आए वो मत बोलिए आपको हिस्ट्री जानना है दार्जिलिंग में आइए और समझे हम आपको ज्यादा नहीं बताना चाहते इतना ही बताते बस और मोदी सरकार प्लीज दार्जिलिंग को भाई मन प्लीज 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 मोदी सरकार जी प्लीज आप थोड़ा ध्यान दीजिए प्लीज केंद्र सरकार प्लीज दार्जिलिंग के ऊपर हम लोग को यहाँ का सर्विस रिटर्न करके आना पड़ रहा है मजबूर हो गया हम लोग दार्जिलिङको भाइ दार्जिलिङको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँ घबराउनु पर्दैन यदि जरुरत परे हामी पनि आउँदैछौ जय गोर्खा इस्तीफा देखे ये जब हम लोग आने के लिए मजबूर हो गया है बस इतना कहना चाहता हूँ प्लीज आप लोग जल्दी से जल्दी जल्द ध्यान दीजिए भारत माता की जय।